इकरा स्टडीज के मुख्य ओझा सर और उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, उनके गाइडेंस से आपने सामने एक एंकर बैठे हैं, आईपीएस अधिकारी. अभी वेरी सून इज गोइंग टू हैदराबाद फॉर ट्रेनिंग. उसके बाद उनको जो भी कैडर मिल जाएगा उसके लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ. और मेरे दोस्त, इकरा फाउंडेशन या इकरा स्टडीज, इकरा का मुझे मीनिंग अभी तक समझ में नहीं आया, तो मैं ओझा साहब से पूछता हूँ, इकरा मतलब अभ्यास, एम आई राइट? उर्दू लफ्ज शायद पढ़ो अभ्यास, उसका इकरा का मीनिंग ये है. मैं कोई मेरा दोस्त रिपोर्टर है, सी इज ऑल्सो मुस्लिम, उसको पूछा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकरा, तो उसने मुझे बताया, इसलिए मुझे मालूम है. एनी हाउ, आज ओझा साहब ने जो यहाँ का जो सेमिनार वर्कशॉप पुणे शहर में क्यों अरेंज किया वो हमें पहले सोचना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है. यहाँ पे एक हमारे मराठी में कहते हैं कि ये पुणे ये संस्कृति की सिटी है, वो हिसाब से साहब ने यहाँ रखा कि यहाँ के बच्चों को इसका लाभ क्यों नहीं मिले, भले वो एमपीएससी हो या यूपीएससी हो. एमपीएससी और यूपीएससी को इतना ही महत्व है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से लेकर 323 इसमें बाकायदा उसके अंदर मेंशन किया है, 315 में यह होना चाहिए और उसके बाद 23 तक उसके क्या क्या काम करना चाहिए उन्होंने वो लिखा है, और उसको महत्व पता गया है. और वो महत्व बताने के अलावा वहाँ स्टूडेंट कैसे आने चाहिए और क्यों आने चाहिए ये सब कुछ मेंशन किया है. उसके अंदर पहले बात तो पहले पब्लिक सर्विस कमीशन था 1936 ब्रिटिश ज़माने में था, तब ये होने से कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए. 1923 में लॉर्ड ली उनकी कमेटी बिठाई गई थी, उसके अंदर अपने इंडियन कितने लेने चाहिए, ब्रिटिश लोग कितने लेने चाहिए और बाकी कितने लेने चाहिए ऐसा तय किया गया. उसके अंदर 1924 में वो कमेटी का रिपोर्ट आया, तो उसके अंदर उसने लिखा है कि 40% फ्रॉम द ब्रिटिश, 40% फ्रॉम द इंडियन एंड 20 फ्रॉम द अदर उस स्टेट के आते हैं. ओ एस आई करने के बाद फिर 1926 में स्टार्ट हो गया. उसके बाद हलू हलू चलते रहा. 1935 में फेडरल पब्लिक कमीशन आया, उसके बाद फिर यूनियन पब्लिक कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया. उसके अंदर लिखा है कि बच्चे कैसे होने चाहिए, उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम था कि ये मेरे देश को चलाना है तो मुझे स्टूडेंट कैसे चाहिए, क्योंकि वो देश का भविष्य है. पब्लिक देश, पार्लियामेंट, दुनिया, विश्व उनके तरफ देखता है, वही अपनी सरकार चलाते हैं. इसीलिए बच्चे हमें कैसा चाहिए, स्टूडेंट हमें कैसे चाहिए, इसीलिए यूपीएससी की स्थापना की गई. उसके अंदर बच्चों ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ लिखा है. और अभी वजीराम साहब के जो ओझा साहब हैं वो आपको गाइड करेंगे, मैं ज़्यादा तो आपका टाइम न लूँगा, लेकिन बच्चों ने क्या करना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूपीएससी. हम कहते हैं कि देश मुझे हमें क्या दे रहा है, लेकिन हम सोचना चाहिए कि हमें देश के लिए क्या देना है. तो वो कहते हैं कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, उसी स्टडी करो. हमारे बच्चे आज महाराष्ट्र में या कोई रीजन में बहुत ही थोड़ा शर्माते हैं आगे आने के लिए कि मैं इंग्लिश बात करूं कि नहीं, मराठी बात करूं कि नहीं, इंग्लिश बात करूं कि नहीं. ये वजह ओझा साहब आए तो उनके सामने बात करूं कि नहीं, बाकी कुछ अच्छे जो डिग्निटीज होते हैं उसके सामने बात करूं कि नहीं. जब तक हम उसके बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम नहीं आ सकते. और यूपीएससी अपेयर होने से हमें पहले सोचना पड़ेगा कि मेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट क्या है जो इंक्लूड है एमपीएससी में, वो पहले आप चुनो. उसके अंदर आपको स्टडी करना पड़ेगा, और वो स्टडी ऐसी करनी है कि विदाउट एनी टेंशन. हम स्टडी को एंजॉय करना चाहिए,
स्टडी जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं आएगा. जैसा हम कंप्यूटर को जब रिफ्रेश करते हैं तो हम F5 दबाते हैं, वैसा ही हमारे बॉडी मेंटल को या ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा आराम दो. 24 घंटा स्टडी करने से कोई फ़ायदा नहीं है. आप सुबह 5 से लेकर रात के 10 तक पूरा काम कर दो, खाने के साथ में एंजॉय करो, स्टडी 2 घंटा करो, 2 घंटा ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके अंदर मैं कॉन्सेंट्रेट कैसा हो जाऊँ वो बेसिक नॉलेज आपके करना पड़ेगा. एक मैं के नेटवर्क पे देख रहा था कि हम विदाउट कोचिंग क्लासेस सक्सेस हो सकते हैं क्या UPSC में, तो उसके अंदर एक सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दिया गया कि जो आचार्य के साहब हैं, आचार्य के साहब के बिना तेंदुलकर नहीं बना, इसका मतलब कुछ कोचिंग क्लास की ज़रूरत है. ऐसे कोई 50-50 उसके अंदर ये है, लेकिन मेरे ख्याल से कोचिंग इज अ मस्ट. कोचिंग में आपको प्रॉपर गाइडेंस, आपको अकॉर्डिंग किताबें, आपको अकॉर्डिंग जनरल नॉलेज, आपको करियर कैसा करना, सभी कुछ आपको मिलता है उसके अंदर. तो मेहरबानी करके आपको मेरे ख्याल से, आई मे बी रॉन्ग मे बी राइट, लेकिन कोचिंग क्लास होना ज़रूरी है ऐसा मुझे लगता है. आप किसी के भी बहकाव में मत आओ कि अपने आप हम खुद स्टडी करते हैं, आपको स्टडी आती है, आप होशियार है, कोई ये नहीं उसके अंदर मुझे, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको लेना है तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि मुझे कोचिंग क्लास करना ही पड़ेगा. भले तुम 1 महीना करो, 2 महीना करो, 3 महीना, 1 साल करो, जो भी, लेकिन जो उसके सिस्टम है, हाउ टू अपेयर फॉर द एग्ज़ाम, हाउ टू स्टडी, सब कुछ उसके अंदर आता है. ये सभी नॉलेज अभी अपने नए ऑफिसर और ओझा साहब देंगे, और ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा इनके पास ज़्यादा है मेरे पास से, इसलिए इतने में बोल के मेरा भाषण समाप्त करता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस अमेजिंग स्पीच एंड द गाइडेंस दैट यू गेव ऑल आवर स्टूडेंट्स. So now I would like to invite our very own guru, the man behind the inspiration of us taking this initiative in Pune. He is the senior most faculty of Vajiram and Ravi Delhi, which is the number one institute in the country. And he is not just a teacher, but the eminent personality who has guided thousands of us to achieve the goal that we have been preparing for. So I would like to invite none other than Mr. Avadh Pratap Ojha. Honorable guests and my dear friends, मैं जब से इस हॉल में आया हूँ तो यहाँ जितनी भी फोटोग्राफ्स लगी है मैं सारी फोटोग्राफ देख रहा हूँ, और इन सारे लोगों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है. अगर मैं शुरू करूँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से, तो ज़मीन से लेकर आसमान तक का फासला उन्होंने तय किया. आज़ाद साहब मक्का में पैदा हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहे, मौला अल्लामा इकबाल साहब, और अगर मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ, वो कभी कभी मैं हो जाता हूँ, तो APJ कलाम साहब. कलाम साहब ने एक किताब लिखी, मैं यहीं से शुरू करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार उस किताब को जरूर पढ़ें, इग्नाइटेड माइंड्स. मालिक का जो सबसे बड़ा तोहफा है, भगवान, खुदा, जो भी हम उसे कहें, वो है मन, इग्नाइटेड माइंड्स. कलाम साहब किसी जमाने में एक पेपर वेंडर हुआ करते थे, अखबार बेचते थे, और अखबार बेचते बेचते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए. उनकी जो सबसे बड़ी बात जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं पढ़ने के बाद एक लंबे समय तक सोचता रहा कि ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है. हो सकता है आपको पता हो, कलाम साहब अपनी शादी की डेट भूल गए. मैं तो एक महीने से हर डेट काट रहा था कि अब मेरी शादी 15 दिन बाद, अब मेरी शादी 14 दिन बाद,
13 दिन बाद. तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी कि कलाम साहब अपनी शादी की डेट भूल गए, तो एक पल को मुझे लगा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता. मैं ज़िंदगी में मालिक ने कई सारी खुशियाँ दी, उसमें से शादी भी एक खुशी है. अब कल आप शादी के बाद डिसाइड करोगे है या नहीं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल शादी एक खुशी है. अब सवाल ये है कि इतने बड़े सारे लोग जो हम जिनकी फ़ोटोग्राफ हमारे चारों तरफ लगी है, इनमें कॉमन क्या है? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ मुगल पीरियड की. अकबर के दरबार में पंडित महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से बड़े फेमस हुए. अब इस कहानी में, ये कहानी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, ये भारत की एक संस्कृति है. हमने फिलॉसफी को कभी फिलॉसफी की तरह नहीं लिखा, ये हमारी बहुत बड़ी खासियत है भारत की. हमने कहानी, हमने फिलॉसफी को, जिसको आप दर्शन कहते हो, हमने उसे कहानी के रूप में लिखा. क्यों? क्योंकि कहानी सबसे सरल माध्यम है किसी भी मैसेज को समझने का. हर कहानी में एक मैसेज है. आप मूवी देखते हो मुन्ना भाई MBBS, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस मूवी से इतने सारे मैसेज लिए. पहला मैसेज, उस मूवी के पहले अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता था तो लोग हॉस्पिटल ले जाने से डरते थे. पुलिस सवाल करेगी, मेरा परिवार फंसेगा, मैं क्यों ले जाऊं. लेकिन उस मूवी से सुप्रीम कोर्ट ने यह मैसेज लिया कि नहीं, जब भी कोई घायल आदमी हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल उसे पहले एडमिट करेगा, और जो व्यक्ति लेकर जाएगा उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा. पढ़ना जो है ना, पढ़ना एक अधूरा शब्द है. पढ़ना, पढ़ने के साथ है समझना. अब किताबें कैसे लिखी हैं, आप सब एक किताब पढ़ते हो, लेकिन एक आदमी कुछ ज्यादा समझता है, एक आदमी कुछ कम समझता है, उसके पीछे वजह क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता. साहब मैं मानता हूं नहीं मिलता होगा. किताबें जो हैं वो सीधी लाइन में लिखी गई, ऐसे सारी किताबें, बाइबल, गीता, कुरान, सारी ऐसे सीधी लाइन में. अब मालिक ने क्या कहा हमसे कि किताबें तो लिखी हैं सीधी लाइन में, अगर तुम्हारे में समझ है तो इन लाइनों को जोड़ो. मेरी बात पे फिर से गौर करिए, आप किताब पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन लाइनों को जोड़ते नहीं, पढ़ते चले जाते, पेन ले लिया, अंडरलाइन कर रहे हैं. नहीं, जैसे मूवी मैसेज दे रही है ऐसे वो किताबें भी मैसेज दे रही हैं. अब जब आप लाइनों को जोड़ोगे, अब लाइनें सीधी लाइन में है, अब आप लाइनों को जोड़ोगे, उन जोड़ने के लिए रुकना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप. इसलिए हमने कहा अध्ययन मनन, पढ़ो और सोचो. तो जैसे आपने वो लाइन जोड़ोगे तो फिर आपको दोनों लाइन के बीच का संबंध समझ में आएगा. तो मैं अपनी कहानी पर आता हूं और इस कहानी की मैसेज को देखिए कि कहानी आपसे कहना क्या चाहती. किसी भी चीज को सिर्फ किताब पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता. दुनिया में एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, सैफिन साहब आपके सामने, जुडिशरी का एग्जाम होता है, पूरी दुनिया में कहीं भी लेजिस्लेचर के लिए कोई एग्जाम नहीं होता. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए किसी परीक्षा को देने की जरूरत नहीं है. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए किसी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि जो राजशाही है, किंगशिप वो समझदारी पे डिपेंड करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग. अकबर, अब जो भी दिल्ली में बैठेगा उसको गुजरात जाना है. सैफिन साहब गुजरात से हैं हमारे,
और गुजरात कनेक्ट करता है हिंदुस्तान को कहां से? सेंट्रल एशिया से, ईरान से. गुजरात हमको कनेक्ट करता है कहां से? वेस्ट एशिया से, सऊदी अरेबिया से. सऊदी अरेबिया का पुराना नाम है हिजाज. तो दिल्ली के आदमी को गुजरात जाना है, अब जाएगा किधर से? राजस्थान हो गए. राजस्थान क्या है? डेजर्ट. और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, नेचर, वो उसकी ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होती है. जैसे यूपी बिहार का आदमी थोड़ा सा दिमाग से बहुत तेज होगा, काम कम करेगा. फर्टाइल जमीन है, बड़ा तोहफे दिए मालिक ने, काम करना ही नहीं. लेकिन राजस्थान का आदमी से 10 किलोमीटर से पानी लेकर आना है, फिजिकली बड़ा स्ट्रांग होगा वो. तो जब फिजिकली स्ट्रांग होगा तो कॉन्फिडेंस होगा. अब आपकी हाइट 6 फिट है और आपका वेट है 200 केजी, और आप रेलवे का टिकट खरीदने गए स्टेशन पे, लाइन लगी है, मेरे जैसे 4-4 फिट के लोग खड़े हैं 20-20 केजी के. अब आप सबसे आगे जाके खड़े हो गए क्योंकि आपकी हाइट तो 6.5 फिट और वेट 200 केजी. आप आगे जाके खड़े हो गए. अब हम लोग पीछे खड़े हो गए, सर झुका के बुदबुदा रहे हैं कि भाई साहब दुनिया में कोई कानून नहीं, बदतमीजी देखिए आगे जाके. अब हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं हमको, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ने बोला और मारा इसने और पीछे से कोई नहीं बोला तो हम तो गए. राजस्थान जो है ना, अफगानिस्तान, पठार, अफगानी बॉर्न वॉरियर. अमेरिका ने सर झुका दिया तालिबान के सामने. अभी की घटना आपने 6-7 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. अफगानियों को हरा ही नहीं पाया. क्यों? नेचर से लड़ते, टेरेन, ज्योग्राफी. दक्कन जहां बैठे हो, पूना, मुगल, मराठों को हरा ही नहीं पाए. टेरेन, वो यूपी बिहार का सिपाही यहां आता था, अब वो प्लेन का रहने वाला आदमी, और यहां की ज्योग्राफी बड़ी डिफरेंट, टफ. अब वो मराठी निकला पहाड़ के बीच से, एक हाथ मारा यूपी के आदमी को, फिर पहाड़ के अंदर. अब वो यूपी का आदमी ढूंढ रहा है कि भैया कहां गया. वो यूपी की फौज यहां लड़ नहीं पाई. सवाल ताकत का नहीं था, सवाल ज्योग्राफी का है. अब अकबर को गुजरात जाना है, अब बीच में राजस्थान, और राजपूत तलवार लेके खड़े हैं कि पहले हमसे लड़ो. तो अकबर ने बीरबल से कहा कि यार क्या चाहिए इनको, ये क्यों परेशान करते भाई. बोले सरकार इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको दो चीज चाहिए, एक इज्जत चाहिए, इज्जत सम्मान. हाँ बोले दे दो, बोरे में भर के दे दो, बोरा ले आओ, खूब सम्मान भर के दे दो. भाई सम्मान किसी को देने में कौन सा पैसा खर्चा होता है? और दुनिया में लोग वो काम करते भी डरते जिसमें पैसा नहीं खर्चा होता. सम्मान क्या दे दो, सम्मान. बोला दूसरा क्या चाहिए? बोले दूसरा साहब ये लड़ना चाहते हैं. अरे बोले बहुत अच्छा यार, इनको अपॉइंट करो, गवर्नर बनाओ काबुल का. तो मानसिंह कहां के गवर्नर? काबुल के. अब एक खतरनाक अफगानी और दूसरा खतरनाक राजपूत, दोनों लड़ रहे हैं. अकबर दरबार में बैठा हुआ है, अनारकली डांस कर रही, बाहर है आज पैगामे मोहब्बत लेके आई. इसको बोलते हैं समझ. इसको बोलते हैं समझ. और जिसको भी मालिक ने समझदारी दी, ईमान दिया, उसको तो उसने पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया. तो पंडित महेश दास अकबर के दरबार में आए, बाद में बीरबल बने. तो अकबर के दरबारियों को बहुत बुरा लगा, कह रहे हम लोग शाही खानदान के लोग, ये आम आदमी इसको कहां से उठा लाए, ये नहीं बैठेगा दरबार में. आज तो कंपटीशन है ना, आज तो डेमोक्रेसी है, कंपटीशन है. आप कहीं से भी हो, डेमोक्रेसी कहती है टैलेंट है, आगे आओ. आपने कहा साहब हम महाराष्ट्र से, हम बिहार से. अरे उसने कहा ये सब मत बोलो, टैलेंट है, सैफिन हसन हो, हाँ आगे आओ, नहीं है पीछे हो जाओ. ये मत बताओ हम राजपूत हैं, हम पठान हैं, हम ये ना, टैलेंट है साबित करो और आगे आओ.
महेश दास को अकबर ने कहा कि हम अपने दरबार में लेंगे, दरबारियों ने बड़ा विरोध किया, यार है बिल्कुल नहीं। अकबर को पता था कि आदमी बड़ा काबिल है ये, तो अकबर ने कहा कोई रास्ता तो निकालो यार, कोई कंडीशन तो रखो। तो एक बड़े आलिम बैठे हुए थे, मुल्ला दो प्याजा, बड़े पढ़े लिखे आलिम टाइप के आदमी। उन्होंने कहा शहंशाह एक ही शर्त है, हम अकबर को एक ही शर्त पे अंदर आने, इसको महेश को एक ही शर्त पे अंदर आने देंगे। अकबर ने कहा क्या? बोले अगर ये मेरे सवाल का जवाब दे दे हम इसे बुला ले अंदर। अकबर ने देखा महेश दास की तरफ, बोले शर्त मंजूर है? बोले हाँ साहब मंजूर है। तो अकबर ने कहा कि मौलाना साहब पूछिए। तो मौलाना साहब ने महेश दास से कहा कि बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पर बीरबल ने कहा कि सरकार मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, आप चाहते हैं कि शहंशाह अमर हो जाए, आप चाहते हैं कि शहंशाह की जो हुकूमत है वो पूरी दुनिया पे फैल जाए, आप चाहते हैं कि दुनिया की जितनी खूबसूरत औरतें शहंशाह की सबसे शादी हो जाए। मौलाना साहब तो हंसने लगे। अकबर ने पलट के देखा, कहा मौलाना साहब? बोले सरकार बस यही बातें सोच रहा था सरकार। ये पहला मंत्र है सफलता का, पढ़ना नहीं है। इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे, पूरी दुनिया में अंधेरा। और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए, इस्लाम प्रेम मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी, हमारे आपके ऊपर फेंक दे हम तो गोली चला दे तुरंत, कि वह कूड़ा फेंकोगे वो भी हम मतलब मैं वाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी? पैगंबर पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, पैगंबर। मालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सर पे। एक दिन उस महिले ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है, गए हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है, ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे, स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है, जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है, चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है, तलवार का। ये मैसेज है, मैसेज। इकरा शब्द फैजल साहब ने लिया कि सर हम तो अपनी इंस्टीट्यूट का नाम इकरा रखेंगे, मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा, इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें, हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में, इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है, वो कहता पढ़ो समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे हो तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहां के कमिश्नर है, धावले साहब आईजी है, तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको, ये हमको गाली दे रहे सब। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर दो पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं, अरे बोले नहीं जाने दो, ये लोग, ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना,
किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। मैसेज आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर पढ़ना है मुझे नहीं, समझना है। आप पहली गलती पता क्या करते हो, आप स्ट्रेस लेके काम करते हो, पढ़ना है। मैं नहीं कहता, आप किताबें इतनी प्यारी चीज है इतनी, पर कब, जब आप उन्हें समझो। 1922 में 1920 गांधी जी की फोटो देखकर याद आ गया। अब अगर मैं सबकी फोटो देखकर आपको कहानी सुनाऊं तो ये तो चलता रहेगा, तो गांधी जी पे मैं मसले को खत्म करूंगा। 1920 में इस आदमी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपने वॉइसरॉय से कहा कि मूवमेंट को रोको, ये गांधी की टीआरपी क्यों बढ़ा रहे हो, रोको मूवमेंट। रीडिंग वॉइसरॉय था, उसने कहा सर हम नहीं रोक सकते। बोले क्यों? बोले सर ये जो सत्याग्रही है ना, ये भजन गा रहे हैं सर सड़क पे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। अब जो आदमी आपके लिए दुआ मांग रहा है, मैं आपके सामने गन लेके खड़ा हूं, आप कह रहे हो कि मालिक इसको सद्बुद्धि दे दे, तो अगर मेरे अंदर इंसान है तो मैं आपका पैर छू लूंगा तुरंत, मारने का सवाल ही नहीं उठता। आपने कभी सोचा हम इस आदमी की क्यों इज्जत करते हैं? इसलिए नहीं कि आदमी नंगा रहता था ना, वो बात नहीं है। फिर आप गांधी जी कपड़ा नहीं पहनते थे, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं पहनते। 1922 में चौरी चौरा एक जगह है यूपी में, वहां का पुलिस स्टेशन जला दिया, पुलिस वालों को जला दिया, सरकार पे सीधा हमला। सरकार ने कहा मारेंगे इन लोगों को, खूब मारेंगे। वही घटना, सेम वही घटना 2010 में हुई, आदरणीय बाबा रामदेव रामलीला ग्राउंड में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको लड़ो, आपको हक है, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, डेमोक्रेसी है, आप लड़ो। सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि 12 बजे के बाद रामलीला ग्राउंड छोड़ देना। अब सरकार, हमें सरकार के आदेश, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सरकार से थोड़ी लड़ रहे हैं, हमें चले जाना चाहिए था, पर बाबा वो बात नहीं समझ पाए। आगे क्या हुआ कहने की जरूरत ही नहीं, लेकिन 1922 में उस आदमी को यह बात समझ में आई, उसने मूवमेंट को रोक दिया। उसे पता था मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर, सरकार बहुत मारेगी इनको, इतना मारेगी कि ये दोबारा आंदोलन पर आएंगे नहीं। तो जैसे ही चौरी चौरा का कांड हुआ, गांधी स्टॉप्स द मूवमेंट, खत्म कर दिया मूवमेंट, कहा आई डोंट हैव फेथ इन वायलेंस, मुझे हिंसा में विश्वास नहीं है। अरे सरकार ने कहा एक हफ्ता रख लो, बोले हाँ ही नहीं। एक भी आदमी इस मुल्क में नहीं मारा गया, महान है वो आदमी। किसी का विरोध करो और वो तुम्हें मार ना पाए। मैसेज पढ़ो किसके लिए, मैसेज के लिए। अगर आपकी पढ़ाई से आपको मैसेज नहीं मिलता, बेकार है। आपने कहा साहब ये किताब खत्म कर ली, मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता हूं एनसीईआरटी, मैं तो बड़ी किताबों, आईएएस बनना मतलब क्या, समझदारी, पहले अटेम्प्ट में 22 साल में हमारा कुछ नहीं है इसमें। हम ये नहीं कहेंगे हमने बनाया भाई, हमने भाई साहब, नहीं नहीं, हमें बनाना आता, हम अपनी बहन को बना देते, भाई को बना देते। ये इस पूरे आदमी, इसकी योग्यता है इस आदमी की। इसने हमसे पूछा कि सर दिल्ली की तरफ से जाए, हमने कहा इधर से चले आओ, बस इतना रोल था हमारा, और ये आदमी चला गया। लेकिन जब तेंदुलकर का नाम होगा, सर ने अभी नाम लिया, तो आचरेकर तो होगा ही, हमारा तो होना ही था। हमारी लालच तो यही है, एक टीचर एक लालच में जीता है कि जब मेरे स्टूडेंट का नाम होगा तो उसकी जीवनी में एक लाइन मेरे नाम पर भी होगा, ये उसकी लालच है। पैसा तो मालिक बहुत दे रहा है, लेकिन नाम, मैसेज। अब मैंने क्या किया, बहुत सारे लोग सेमिनार लेते हैं, बोलते हैं ये करो वो करो, ऐसा ठीक है, अच्छा बोलते, सब सही बोलते, कोई गलत नहीं बोलता, लेकिन आज मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूं।
मैंने आपको एक बुकलेट दी है, मिली आपको? इस बुकलेट को आप पढ़ेंगे दो पेज है, कितना मिनट? एक बार लालू जी ने कहा था, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत ही काबिल नेता है इस मुल्क के, उन्होंने कहा कि बच्चों को नकल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा क्यों? बोले उसके लिए भी अकल चाहिए। कम से कम जो लोग नकल में फेल हो जाएंगे उनको इस बात का तो एहसास होगा कि हमारे लिए नहीं है। माँ बाप तो बहुत सारे स्कूलों में नकल कराने जाते हैं, अरे भाई ये तो खुद से कर लेने दे। मुझे उनकी वो बात बड़ी अच्छी लगी। आईएएस बनना बहुत आसान, लेकिन लेकिन चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग। कठिन नहीं कह रहा हूं मैं, कठिन कह दूं तो फिर तो खेल ही खत्म हो जाए। आसान आईएएस बनना बहुत आसान, लेकिन चुनौतीपूर्ण, चैलेंज। दो पेज मैंने आपको दिया, दस मिनट में खत्म करिए इसे, दस मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे आप। आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे वो लाइन जोड़िएगा, सिर्फ पढ़िएगा मत, जोड़ते चलिएगा। और फिर 12 क्वेश्चन मैंने दिए, वो 12 क्वेश्चन करिए ऑन द स्पॉट। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता के जा रहा हूं कि ये प्रीलिम्स अगर आप देंगे इस फॉर्मूले पे, तो मालिक ने चाहा तो आप मेंस लिखेंगे। बस 10 मिनट का टाइम लीजिए, 12 बज चुके हैं, 10 मिनट पढ़ेंगे और 10 मिनट में आप सवाल करेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपको डांटा नहीं जाएगा, बिल्कुल आराम से, खूब शांति से।
सबको क्वेश्चन पेपर मिल गया, जिसको ना मिला हो हाथ ऊपर कर ले। जिसको भी क्वेश्चन पेपर ना मिला हो हाथ ऊपर कर ले और क्वेश्चन पेपर ले ले। फिर मैं सैफिन को बुलाऊंगा, लेकिन सैफिन को बुलाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं आज जब कल पूना पहुंचा तो मेरे दो स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र कैडर में, एक वरुण, उसका भी इन्हीं के बैच में सिलेक्शन हुआ। तो उसने मुझसे कहा, सर आपने मुझे नहीं बुलाया। एक IAS है, उन्होंने कहा कि सर ये तो बेईमानी है सर। और दोनों लोग आए हैं पर यहाँ नहीं आए, भाई ऑफिसर हैं तो प्रोटोकॉल नहीं आ सकते। तो बोले आपने सैफिन को ही क्यों बुलाया। सैफिन में और मेरे में एक चीज़ कॉमन है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरी माँ लॉयर हैं, एडवोकेट, मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, हम बड़ी लोअर मिडिल क्लास से थे। तो मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को पढ़ाया, हमारे पास 10-10 बीघे ज़मीन थी उस वक्त, तो 5-6 बीघे ज़मीन तो माताजी को पढ़ाने में बिक गई, 5 बची। तो जब मैं बड़ा हुआ, बाहर निकला, बाहर पढ़ने के लिए मैं दिल्ली आया, फिर और पोस्ट की ज़रूरत पड़ी, मेरी बहन वो भी आई दिल्ली पढ़ने के लिए, पैसे तो थे नहीं घर में, तो ये हुआ कि भाई अब क्या करें। माताजी ने कहा कि ज़मीन बेच दो। तो मेरे पापा ने कहा यार 5 बीघे और बचे हैं, इसको भी बेच दोगी तो खाने खाएंगे कैसे। अबे उन्होंने कहा बेच दो यार, यार लड़का हमारा अरबों डॉलर का, बेच दो। तो भाई कुछ भगवान की वो थी कि मैं सुन रहा था उन दोनों आदमी की बातें, बेच दिया साहब ज़मीन, हम तो चले आए पढ़ते रहे। तो जब मेरा IAS के लास्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ तो मेरी स्थिति एकदम, मतलब मैं उसे बयां ही नहीं कर सकता, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहूँगा। 7 महीने बड़ी अजीब सी स्थिति में रहे, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए ये सब तैयारी नहीं है, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जगह बनानी है। और सर अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। लड़ना है सर, ज़िंदगी का मतलब लड़ना। अब आप डिसाइड करो कि कहाँ, चपरासी बन गए सरकारी SBI में, कितनी सैलरी, 25,000। आप सोच के देखो, अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जिनका महीने का खर्चा 15,000 रुपया होगा आपका अपना, और अगर आपके घर में 3 भाई बहन हैं तो 45,000-50,000 तो आप ही लोग खर्चा करते हो। आप सोच को देखो, अगर आपको 25,000 सैलरी मिली तो आपका घर कैसे चलेगा, वो लड़ाई नहीं है आपका। तो भाई साहब पढ़ाई करने में बड़ा लड़ाई करना पड़ता है सर, जिंदगी का मतलब लड़ाई है सर। लेकिन कैसे, हंस हंस के, अपने किसी को चाटा मारा हंस रहे कि भाई साहब मजा आ रहा है, एक मार दूं भाई साहब, गुस्से में नहीं मारना है। जिंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना, तभी जीतोगे। फिर मैं वापस आया, फिर मेरे एक दोस्त है, उन्होंने वो कोचिंग चलाते थे इलाहाबाद में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले अवध भाई हमारे एक पुराने टीचर हैं वो भाग गए हैं, आप जरा आके पढ़ा दो। तो मेरी एक्सीडेंटल एंट्री हो गई इसमें, तो पढ़ाने लगा। तो पहले दिन मैं गया पढ़ाने तो करीब 50-50 लड़के थे, तो उसमें आधे से ज़्यादा चले गए। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मेरा दोस्त भी बड़ा नाराज हुआ कि क्या पढ़ा दिए यार, सब लड़के भाग गए। फिर मैंने, एक सीनियर थे, मैंने कहा यार पढ़ाया तो मैंने बहुत, बोले यही गड़बड़ कर गए, ज़्यादा नहीं पढ़ाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, ये पढ़े लिखे लोग हैं बड़े, इनको बता दो करना क्या है, इनको स्पून फीडिंग मत करो। फिर मैं पढ़ाने लगा, पढ़ाते पढ़ाते एक नया लाइफ मिली। मेरा पहला स्टूडेंट जो IAS हुआ वो राजू शुक्ला, अभी झांसी में है। उसके बाद मुझे वो बड़ा अजीब सा लड़का था, मैंने उससे पूछा कि यार अकबर के बारे में कुछ जानते हो। कहा सर अकबर औरंगजेब ये सब भाई भाई थे। तो मैंने कहा यार इससे काम, अभी झांसी में है,
मैं अगली बार लेकर आऊँगा, भगवान ने चाहा तो, मालिक ने चाहा मैं उसे लेकर आऊँ, मैं उससे मिला, उससे भी मिलाऊँगा कि देखो ऐसे लोग दिशा, पहली चीज़ मैंने आपको बताया समझना, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्शन। जीत कोई भी सकता है, दुर्योधन की तरफ से महाभारत के युद्ध में कौन खड़ा है? द्रोणाचार्य, प्रोफेसर, स्टूडेंट भी हार गया और टीचर भी हार गया और दोनों मारे गए। लेकिन अर्जुन की तरफ से खड़ा हुआ है कृष्ण, वो कोच है, इस फर्क को समझिएगा। कोच का काम है दिशा देना। दुनिया के जितने धर्म हैं, इस्लाम, हिंदुइज्म, जिसने सबने गुरु को बड़ा सम्मान दिया है, बहुत। मैं कश्मीर जाता हूं, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन इतना वो सब सम्मान वहां पे करते हैं लोग, कहते हैं सर बड़ी इज्जत दी गई है गुरु को, इसीलिए वो दिशा दिखाता है। दिशा पहली चीज आपको समझ डेवलप करनी, दूसरी चीज किसी भी फील्ड में जा रहे हैं ना उसका डायरेक्शन पता करिए। मैं हम सैफिन की बात कर रहे हैं, फिर इस फील्ड में मालिक ने शायद सर पे हाथ रख दिया और कायदे की कहानी चल पड़ी। फिर मैंने कई सारी कोचिंग पढ़ा है, मैं बाद में वाजीराम में आ गया, वाजीराम में 20,000 लड़के, और हमारा बॉस बड़ा अच्छा है, वो हमें लिफाफे में पैसा नहीं देता, बोरे में देता है, कहता बोरा ले आओ और भर लो। तो मैं अपने घर गया, तो जिनको हमने अपनी जमीन बेची थी, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा लोगे? जितना तुम सोच सकते हो उसका डबल दूंगा, जमीन वापस कर दो। उसने कहा कि 20,00,000 की है। मैंने कहा 40 ले लो, पर मेरे नाम पे कर दो। हमारे माँ बाप मतलब भगवान, भगवान सैफिन आए, अम्मी इनकी नहीं आई किसी कारण से, मैंने बुलवाया ज़बरदस्ती, क्योंकि जब मैं पहली बार इनकी वीडियो देखा तो मुझे लगा यार मेरी माँ है ये, ऐसे उन्होंने भी स्ट्रगल किया, और आज उसने मतलब ऐसे मुकाम पे बिठा दिया कि आपका जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है दुनिया, और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, बाकी अपने आप चलेगी, वह जिम्मेदारी ये है कि आपके माँ बाप आप पर फख्र करें। मैं भी बुलाऊंगा माँ बाप दोनों लोगों को, ये बात अपनी जिंदगी में रखिए, फख्र किसी भी बात पर, किसी भी बात पर, कि मेरे बेटे ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। समझिए, दिशा देखिए, दिशा। मेरे एक दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, कहते हैं मैं नमाज कभी छोड़ता नहीं, मालिक मेरी सुनता नहीं, तू नमाज कभी पढ़ता नहीं, तेरी इतनी सुनता है, मुझे कहते हो। मैंने कहा पता क्यों सुनता है? क्योंकि अगर मैं एक ब्रेड भी खाता हूं ना सड़क पे खड़े होके, तो मैं उसको शुक्रिया कहता हूं कि तेरी मर्जी से खा रहा हूं। मालिक की सबसे बड़ी चीज क्या है? शुक्रिया। आईसीयू में जाके देखो, आईसीयू जाना, आईसीयू कभी आईसीयू जाओ हॉस्पिटल के, वहां लोगों को देखो जो 25-25, 30-30 दिन से लेटे हैं, गाजर का पानी पी रहे हैं। तो जब बिरयानी खाओ तो आईसीयू को याद कर लो, शुक्रिया के भाव पैदा हो जाएंगे, और जैसे ही पैदा होंगे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दिशा, नमाज पढ़ो, पूजा करो, तैयारी करो, कुछ भी करो, दिशा। अगर दिशा सही नहीं है ना सर, आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। मालिक ने इतनी बड़ी कायनात बना रखी, आपके सजदे का थोड़ी भूखा है वो, पर उसे लगता है कि आपको भी, जैसे आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये मुझे कुछ थैंक यू बोलेगा, गिफ्ट देगा, जैसे आप करते हो ऐसे वो भी शायद करता होगा, और आपको कुछ देना ही नहीं, शुक्रिया, यही इसीलिए वो मालिक है, हमें कुछ देना ही नहीं। ऐसा कहकर हम अपने आप को बचाते भी है, ये भी एक फायदा है हमारा कि हमें कुछ देना ही नहीं, देना तो घर पड़ता ही है। समझ और दिशा। अब देखिए मैंने आपको जो पेपर दिया, गौर करिए, कंपटीशन है ये, आईएएस एग्जामिनेशन नहीं है, एग्जामिनेशन में पास करना है,
तो मान लीजिए इस क्लास में 100 लड़के हैं और एग्ज़ाम दे रहे ग्रेजुएशन का, तो मैं चाहूँगा कि 100 के 100 पास हो जाएं। गौर करिएगा, आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, 100 लोग हैं, मैं चाहूँगा आप सब लोग पास हो जाएं। लेकिन जब आप आईएएस की परीक्षा देने आएंगे, वो कंपटीशन है, वॉर, वहां मैं चाहूंगा सिर्फ 5 लोग पास हों। यानी एग्जाम और कंपटीशन दोनों में फर्क है। पहला लड़का क्या सोचता है कि पढ़ना है? नहीं, पढ़ना तो है, लेकिन कंपटीशन के लिए एक चीज और चाहिए, पर्सनालिटी। भीष्म पितामह अर्जुन से ज्यादा बड़े योद्धा हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि जीतना कैसे है। तो कृष्ण कहता है अर्जुन से कि शिखंडी को खड़ा कर दे, पितामह खत्म। यह है कंपटीशन। पहली चीज, कंपटीशन सिर्फ शिक्षा का खेल नहीं है, सिर्फ एजुकेशन नहीं, पर्सनालिटी, अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपसे कहा समझ, समझ जो है ना, मैंने कहा लेजिस्लेचर का कोई एग्जाम नहीं होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं, राजा के दरबार में कौन? बीरबल। पहली बात, राजा से कोई सवाल नहीं करता। मान लो किसी ने हिम्मत कर लिया, सैफिन साहब बैठे हैं, इनसे कोई सवाल करेगा? लिख लिया डायरी में अंदर नाम के, एनकाउंटर करवाना इसका, सवाल करते हो, बेइज्जती करना चाहते? आपसे तो कोई भी कर ले। समझ, बीरबल आपके दरबार में, मान लो किसी ने आपसे सवाल कर ही लिया कि भाई अमेरिका की राजधानी बता दो, आपने बीरबल को बता इसको राजधानी बता। समझदारी, ये देश किसका है? हिंदुस्तानियों का। इंडिया इज फॉर इंडियंस। यहां भगत सिंह ने फांसी दी खाई तो असफाकुल्ला ने भी। डॉक्टर अंबेडकर की तो इतना योगदान है उनका, कभी आपको मौका मिले इन लोगों को पढ़िए प्लीज। एक चीज अपनी जिंदगी में डेवलप करिए, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी पढ़ना। जब आप इनकी स्ट्रगल की कहानियां पढ़ेंगे ना, आपको बड़ी हिम्मत मिलेगी। समझ डेवलप करिए, समझ। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, वो समझ गए इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम सबको मिलके रहना है। मैं आगे पूजा कर रहा हूं, तू पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ ले, हमको साथ में रहना है। अंग्रेजों ने इसी बात का तो फायदा उठाया, 1765 पहले बंगालियों को मारा, साउथ इंडिया का आदमी बड़ा खुश हुआ कि भाई एक और मार दे। 1799 में उन्होंने साउथ इंडिया के लोगों को मारा, मराठी खुश हो गए कि भाई दो। 1816 में उन्होंने मराठियों को मारा, 1843 में उन्होंने सिंधियों को मारा, 1848 में उन्होंने पंजाबियों को मारा, एक एक करके मारा। समझदार बहुत थे, जान रहे थे एक साथ मारेंगे सब एक हो जाएंगे, एक एक करके मारा। और जब 1848 में पंजाबियों को मारा तो यूपी के लोग बड़े खुश हुए, अवध वाले, कि सर बहुत अच्छा किया सर, एक एक डंडा और मार दूं सर। और 1856 में उन्होंने अवध वालों को भी मारा, सब हाथ ऐसे रख के खड़े हुए थे कि भाईजान हमको भी मारा। तो पंडित जी मौलाना साहब दोनों खड़े हुए रो रहे, 1857 विद्रोह, दोनों रो रहे कि पंडित जी, बोले हाँ भाईजान, बोले हमको मारा भैया, हमारी दाढ़ी खींच ली, बोले हमारी चुटिया उखाड़ ले गए। फिर दोनों मिल गए, गले मिल गए कि हम अब इनको मिलकर मारेंगे। मिले, जब एक दुश्मन ने सबको पीटा तो मिले, तो क्यों चाहते हो कि कोई दूसरा फिर आके तुमको पीटे? मिल के रहो। इतिहास अंडरस्टैंडिंग, पढ़ने का मतलब अंडरस्टैंडिंग। अमेरिका की गुलामी करते हम, टेक्नोलॉजी मांगते उससे, क्या जरूरत है? हम एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बना दें अयोध्या में, राम रहीम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और बना दें, और कुछ बना दें, डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, सैयद अहमद, हमें क्या करना है? टेक्नोलॉजी, हम कुछ ऐसा बनाएं कि पूरी दुनिया हमसे खरीदे, हमारे मुल्क में पैसा बहे। और जब आपके घर में पैसा बहेगा तो क्या होगा? आपका मुल्क घर खुशहाल होगा, आपका घर खुशहाल होगा तो हर आदमी
ट्रू हिंदू होगा और हर आदमी ट्रू मुसलमान होगा। क्या मंदिर में जाने से ही लोग पूजा कर लेते हैं या मस्जिद में जाने से? समझदारी, अशोका द ग्रेट, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई लड़ रहे, ऐसे तब ब्राह्मण बौद्ध और जैन लड़ रहे थे, पर वो समझदार शासक था, इसीलिए द ग्रेट कहा गया। पढ़ने की वजह से नहीं, समझदारी की वजह से। अकबर द ग्रेट, हिंदू मुसलमान, और हिंदू आपस में, मुसलमान आपस में, शिया सुन्नी, तो उसने तौहीद इलाही चलाया, एकेश्वरवाद, अंडरस्टैंडिंग। रिक्वायरमेंट पर आते हैं। आईएएस एक चक्रव्यूह है जिसमें 90% बच्चा पढ़ जा फंस जाता है। मेरे 3-4 फॉर्मर स्टूडेंट भी यहां बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो आकर मुझे मिले। चक्रव्यूह, इस शब्द पे गौर करिए, चक्रव्यूह। अब ये चक्रव्यूह है क्यों? अब इसमें अच्छे अच्छे अभिमन्यु घुस जाते हैं, पीट जाते हैं अंदर से। चक्रव्यूह ये इसलिए है, बहुत गौर करिए, इसमें पहली परीक्षा है प्रीलिम्स। जो पहली परीक्षा है, पहला दरवाजा, पहला एग्जाम, वो है प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स की तैयारी होती ही नहीं, तैयारी होती है किसकी? मेंस की। यही है चक्रव्यूह भाई। आप तैयारी करोगे, पहला दरवाजा खोल लेगी ना, और पहला दरवाजा है प्रीलिम्स, आप प्रीलिम्स पढ़ोगे, इसकी तैयारी नहीं होती, तैयारी होती है मेंस की। अच्छा, अगर तैयारी मेंस की होती है तो मेंस क्या है? ये मेंस का मतलब, मेंस का मतलब फैक्ट। अब क्वेश्चन पेपर देखिए अपना, पहला क्वेश्चन देखिए, फैक्ट। व्हाट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पेशवा पावर एंड आल्सो द डाउनफॉल ऑफ मराठा एम्पायर? कौन बताएगा आंसर यहां? और क्यों? कहां लिखा है पढ़ के सुनाओ। कहां लिखा हुआ है पढ़ के सुनाओ, इस पेज में कहां लिखा हुआ है? The Maratha chiefs were very similar to the leader Mughal nobles, just as a saranjam system was similar to the Mughal system of jagirs. True, बहुत अच्छा, very good, very good. Last page में भी है, पहले में देखिए, पहले page के last paragraph में आइए, last paragraph, पहला page का last paragraph. वहाँ पे भी है। हाँ हाँ ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनका नाम लिख लो भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनिए लाइन को, देखिए, पढ़ना और जोड़ना किसको कहते हैं? देखिए, यही मैंने आपसे कहा, पढ़ना और जोड़ना है। अब देखिए, पहली लाइन पढ़िए। फॉर द एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ द चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ द डेक्कन, बालाजी विश्वनाथ अरेंज्ड सेपरेट एरियाज टू द मराठा सरदार्स, असाइंड सॉरी टू द मराठा सरदार्स हु केप्ट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कलेक्शन फॉर देयर एक्सपेंसिस। द सिस्टम ऑफ असाइनमेंट ऑफ चौथ एंड सरदेशमुखी ऑल्सो इनेबल्ड द पेशवा टू इंक्रीज द पर्सनल पावर। मिली लाइन, फिर देखिए अगली लाइन, देखिए, टू इंक्रीज द पर्सनल पावर थ्रू पैटर्नेज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एम्बिशियस सरदार्स बिगैन फ्लॉकिंग अराउंड हिम इन द लॉन्ग रन दिस वॉज अ मेजर सोर्स ऑफ वीकनेस। गौर किया? देखिए पहले क्वेश्चन में दोनों चीज है, गौर किया आपने? आप ऐसे, बहुत अच्छा। मेंस आईएएस दिया कभी? शायद इस तरह से नहीं पढ़ रहे होंगे, ऐसे पढ़ना बेटा, मेंस प्री कुछ होता ही नहीं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों क्वेश्चन में है। व्हाट इज मेंस? मेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट। बात आपको समझ में आई? अब देखिए, बड़ा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, हो सकता है आप वहां मात खा गए हो। गौर करिए क्वेश्चन नंबर 12।
पेशवा बिकेम अ फंक्शनल हेड ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग, कौन बताएगा आंसर? आप हाथ उठाइए, मैं पूछ लूंगा. यस प्लीज. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. वन एंड टू बी. और yes, कौन sir. हाँ बताइए, चलिए. क्यों सर? फर्स्ट पेज पर थर्ड पैराग्राफ. क्या बात, बस 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 मिल गया. चलो अब यही लगे हाथ ये भी बता दो कि ऑफिशियल हेड पेशवा कब बना? फंक्शनल तो इन लोग के समय बना, ऑफिशियल? ऑफिशियल बाजीराव फर्स्ट. ऑफिशियल हेड कब बना? फंक्शनल हेड. अब देखिए दोनों वर्ड में फर्क पकड़िए. मैंने क्वेश्चन पूछा फंक्शनल हेड, फंक्शनल कि काम तो सारे वही करता था, कहने के लिए शाहू महाराज गद्दी पे बैठे हुए थे, ये हुआ फंक्शनल हेड. जैसे हमारे स्टेट का फंक्शनल हेड भारत का कौन है? प्रेसिडेंट. लेकिन काम सारे कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री. अब दूसरा सवाल यह बन जा सकता है यहीं से कि पेशवा ऑफिशियल हेड कब बना, मतलब छत्रपति कॉन्सेप्ट खत्म हो गया किसके समय? माधोराव 1761. पेज खोलिए. दूसरा पेज, सेकंड पेज, सेकंड पेज, छठा पैराग्राफ, लास्ट लाइन. द ऑफिस ऑफ द पेशवा हैड ऑलरेडी बिकम हेरिडिटरी एंड द पेशवा वॉज द डी फैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट. नाउ ही बिकेम एन ऑफिशियल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज अ सिंबल ऑफ दिस फैक्ट ही शिफ्टेड द गवर्नमेंट टू पूना. अब इसी पे मैंने क्वेश्चन घुमा दिया था, अगर आपने गौर किया होगा. क्वेश्चन नंबर फोर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बालाजी बाजीराव शिफ्टेड द कैपिटल टू पूना एज अ सिंबल ऑफ मराठा टर्निंग इन टू एन ऑल इंडिया एम्पायर. यह स्टेटमेंट गलत है. इसकी वजह से नहीं शिफ्ट किया था. किसकी वजह से शिफ्ट किया था? कि नाउ ही बिकेम अ ऑफिशियल हेड. तो राजधानी चेंज करने से क्या हुआ साबित? जैसे आपके जो घर घर का मुखिया आपके फादर, उन्होंने कहा अब हम पुणे में नहीं रहेंगे, अब हम मुंबई में रहेंगे. तो ये जो डिसीजन है ये किस बात का संकेत है, किस बात का मैसेज है? कि द हेड ऑफ योर फैमिली इज योर फादर. जो भी प्रमुख हेड होगा, राजधानी चेंज करने का हक सिर्फ उसको होगा. सी द मैसेज. फिर पानीपत का युद्ध कब हुआ? अब इस युद्ध की आप कहेंगे डेट क्यों याद रखे? क्वेश्चन नंबर फाइव. सर हिस्ट्री में बस 10 डेटें हैं जो याद रखनी, उनमें से एक ये है 14th January 1761. इस युद्ध ने इस देश के इतिहास को ही बदल दिया. मराठा वर द एमर्जिंग पावर, उभर रहे थे, इनके अंदर पोटेंशियल थी मुगलों को रिप्लेस करने का, ये हार गए. अफगानी उधर खत्म हो गए, तो दोनों पावर खत्म हो गई, मराठा खत्म हो गए, मुगल खत्म, अफगानी खत्म हो गए. इसका मतलब अब इस देश का राजा कौन बनेगा? इंग्लिश. एनसीईआरटी में लिखा है कि इस युद्ध ने यह क्लियर किया कि कौन राजा अब नहीं बनेगा. फिर एक लास्ट क्वेश्चन पर आइए. व्हाट वाज ट्रू अबाउट महाजी सिंधिया? क्वेश्चन नंबर 8, 9. He organized a European style army only with the help of French. Only. गलत. French and Portuguese. अब examination में, अब देखिए ये क्या है? Personality मैंने आपसे कहा. UPSC को पता है कि जब आप examination hall में जाओगे तो आपके ऊपर एक चीज काम करेगी. क्या? Pressure. और pressure के समय आमतौर पर आदमी confused हो जाता है. अब आप confused हो जाओगे कि यार सिर्फ फ्रेंच थे कि नहीं. अब यहां वर्ड लिखा ओनली,
अब आपको याद है कि फ्रेंच ने सबकी मदद की, टीपू सुल्तान की मदद की, रंजीत सिंह की मदद की, आपको लगा यार मराठा भी फ्रेंच ने ही मदद की होगी, आपने मार दिया। जब भी युद्ध के मैदान में एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, पहला काम ये करो 12 घंटे पहले सारे स्ट्रेस को खत्म कर दो, अगर मालिक को मानते हो तो कुछ चीजें उसके ऊपर छोड़ दो, अब वो संभाल लेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, दूसरा है द एस्टैब्लिशमेंट, ही एस्टैब्लिश एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नियर आगरा। बिल्कुल, आगरा में क्यों? अब यहीं पे क्वेश्चन उठना चाहिए आपके दिमाग में, इसको बोलते हैं जिंदा दिमाग। आगरा में क्यों? क्योंकि आगरा इज कनेक्टेड विथ 4 स्टेट्स। अगर आप आगरा में हैं आप सीधे राजस्थान आ सकते हैं, अगर आप आगरा में हैं तो आप यूपी पहुंच सकते हैं, आप आगरा में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, आप आगरा में आप पंजाब पहुंच जाएंगे। आगरा कनेक्ट्स विथ 4 प्रोमिनेंट स्टेट्स, इसलिए आगरा में। अब आगरा को कैपिटल किसने बनाई थी? सिकंदर लोधी 1504। रीजन जानिए हर चीज का, रीजन कि आगरा में, तुम बैठे हो ग्वालियर में, आपका घर है पूना में, और आपने शराब की फैक्ट्री लगाई पंजाब में, क्योंकि सबसे ज्यादा शराब पीने वाले लोग पंजाब में। रेलेवेंसी। तीसरा फैक्ट देखिए, ही वॉज द बिटर एनिमी ऑफ होलकर ऑफ इंदौर। कोई बताएगा क्लास में क्यों? जो बता देगा इकरा आईएएस की तरफ से उसको पक्का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि ये लाइन आपकी सोच दिखाएगी, सोच आप सोचते कैसा हो। पहली लाइन आपके स्ट्रेस को दिखा रही है, दूसरी लाइन ये दिखा रही है कि आप जोड़ते हो, आप कनेक्ट करते हो चीजों को कि नहीं करते। सर जी सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये कंपटीशन है। ये ग्रेजुएशन नहीं है, ये क्या है? कंपटीशन। बता दो ये लाइन कौन बताएगा? व्हाई ही वॉज अ बिटर एनिमी ऑफ होलकर ऑफ इंदौर। यस, रीजन क्यों? रीजन, मेन रीजन क्यों होलकर ऑफ इंदौर? पास पास में थे तो टेरिटरी या उसके लिए पावर। अरे हम दोनों पास में बैठे तो झगड़ा करे सर, वो एक ही इसके अंदर थे तो लड़ाई जब भी होगी इंटरेस्ट के लिए होगी। इंटरेस्ट सर, अमेरिका हमला किस पे करता है? इराक पे। तेल चाहिए, तेल। कहता वी वांट टू गिव डेमोक्रेसी टू द पीपल ऑफ ईरान, व्हाई डोंट यू गिव डेमोक्रेसी टू द पीपल ऑफ तिब्बत? वहां के लोग भी तो परेशान है, लेकिन तिब्बत में तेल है ही नहीं। समझदार आदमी लड़ाई करेगा इंटरेस्ट के लिए, और इमेच्योर आदमी लड़ाई करेगा अपनी मूर्खता के लिए। लड़ाई तो करना है आपको। आपने रिक्शा ऑटो वाले से कहा खाली हो? उसने कहा नहीं खाली है। आपने गोली चला दी, मार दिया उसे, ये क्राइम है, आपको मौत की सजा होगी। उसने कहा मैं नहीं खाली हूं, आप कैसे उसे गोली चला सकते हैं उसके ऊपर? तो फिर हम फौजें क्यों बनाते हैं? अब भारत से पड़ोसी मुल्क कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान हमारी कौन है? अंतरात्मा। और हम उसके कौन है? सांसे। हम दोनों क्यों परेशान है? क्योंकि अंतरात्मा अपनी सांसों से अलग है। वो हमारी अंतरात्मा क्यों है पाकिस्तान? क्योंकि उसका दरवाजा कहां खुलता है? ईरान में। और ईरान में क्या है? तेल। अगर पाकिस्तान हमारा दोस्त हो जाए, भाई बन जाए फिर से, तो तेल और नेचुरल गैस की पाइपलाइन सीधे हिंदुस्तान पहुंचेगी। और पता है आपको तेल कितने रुपए लीटर मिलेगा? 15 रुपया, 10 रुपया। जो इंपोर्ट चार्ज है, सर्विस चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, वो कट जाएगा पूरा। और अगर नेचुरल गैस हिंदुस्तान में आ गई ईरान से, तो सबसे बड़ी भारत की, उत्तर भारत की समस्या खत्म हो जाएगी। क्या? पावर, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर पावर हमें मिल गई तो उसके बाद क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज उत्तर भारत में इंडस्ट्री नहीं है, बिना पावर के कहां लगाओगे फैक्ट्री? तो पाकिस्तान हमारी अंतरात्मा है, और हम कौन है? उसकी सांसें हैं। कैसे? जितना भी वाटर रिसोर्स है पाकिस्तान का, रिवर सतलज, रिवर इंदस,
वो सब हमारी एरिया से गुजरता है, हम रोक ले खत्म। और जिस दिन मालिक ने चाहा और हम फिर से दोस्त बन गए तो वो ऑडी में चलेंगे और हम बीएमडब्ल्यू में चलेंगे और मजा बहुत आएगा। और इंशाअल्लाह मालिक ने चाहा तो जरूर होगा, ऐसा नहीं है, हमेशा मूर्ख लोग ही नहीं रहते, कभी ना कभी रहम करेगा हम दोनों के ऊपर। ये इन लोगों ने क्या किया, पश्चिम के लोगों ने वेस्ट हमको लड़ा रखा है, क्या दुश्मनी हमारी उससे, उसकी क्या दुश्मनी हमसे, क्यों लड़ाया? क्योंकि पश्चिम का सबसे बड़ा जो कारोबार है वो है आर्म्स एंड एम्युनेशन, हथियार, रफेल हमको बेचता है, कपड़ा नहीं हमारे पास पहनने को, पैजामा फटा हुआ है, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, उधर भाई की लुंगी फटी हुई F-18 खरीदता है वो, हमारा पैसा किसके पास जा रहा है, फ्रांस और अमेरिका के पास, क्यों? क्योंकि हम दोनों दुश्मन हैं। किसने बनाया? इन्होंने। यह है समझदारी, ये बात बाहर जाके मत कहिएगा, जब कुछ बातें समझ जाओ तो अपने तक रखो, कब तक? जब तक पावर में ना आ जाओ, पावर में आ जाओ फिर बोलो, एक हाथ में तलवार ले लो फिर बोलो कि हम भाई हैं, किसी ने कहा नहीं है डाल दो, ऐसे मत बोलो, ऐसे सुनो, जब तुम पावर में नहीं सुनो, सर झुका लो सुनो, विरोध मत करो, किसी को समझाओ मत। भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए, तुम क्यों, तुम भगवान से बड़े हो? मोहम्मद साहब अपने चचा को नहीं समझा पाए, अबू तालिब साहब को, आप क्यों समझाते हो, आप मोहम्मद साहब से बड़े हो? जब ये लोग नहीं समझा पाए, ये देखिए सर, आईएएस की जो पूरी जान है वो कहां छिपी हुई है, मेंस में। मेंस का मतलब क्या होता है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अब मेंस, मराठा स्वराज, ये जो पेज मैंने आपको दिया इसमें दो मराठा हिस्ट्री का दो पार्ट है, कौन कौन सा ये देखिए, ये मराठा स्वराज पहला, इसको किसने बनाया, शिवाजी महाराज ने, किसकी वजह से, कैसे, दो कोई लड़ाई में, हम शिवाजी महाराज को महान क्यों मानते, मराठा वेर नेवर अ पॉलिटिकल पावर, इनकी कोई इज्जत नहीं थी, इनका कोई स्टेटस नहीं था, इस आदमी ने दक्कन पे सब कब्जा करना चाहते थे, महाराष्ट्र पे, क्यों, यहां के बंदरगाह, मुंबई, नेचुरल पोर्ट, दक्षिण भारत का मसाला, सारा कारोबार इसी रास्ते से गुजरता था। तो दो लोग लड़ रहे थे, बीजापुर गोलकुंडा और मुगल, और दोनों विदेशी, इनकी मदद किस कौन करता था, मराठा, मरता कौन था, मराठा, लड़ता कौन था, मराठा, और फायदा किसका, या तो मुगल का या बीजापुर गोलकुंडा का। इस महान शख्स ने मराठा के लोगों से कहा कि भाई मरते हम, लड़ते हम, और मलाई या तो वो खाता या ये खाता। लोगों ने कहा हाँ सर, फिर बोले अब हम अपने लिए मरेंगे, अपना वजूद पैदा करेंगे, अपना साम्राज्य बनाएंगे, मराठा स्वराज 1674। इसलिए मराठी शिवाजी महाराज को संभवतः भगवान का दर्जा देता है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया, अस्तित्व दिया। अब इस मराठा स्वराज से फिर दूसरी बात पैदा हुई, पेशवा डोमिनेंसी, ये कैसे बड़े हो गए, ये इस पेज में दिया हुआ है। दो लोगों की फिर लड़ाई, किसकी, कोल्हापुर की और सतारा की, औरंगजेब साहब तो उठा ले गए शाहू को, सतारा की सीट खाली, लेकिन औरंगजेब से लड़ाई चल रही थी, लड़ कौन रहा था, राजा राम की वाइफ ताराबाई। ताराबाई ने सोचा कि मर मैं रही हूं, और कल अगर शाहू वहां से छूटेगा तो राजा वो बन जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, तो उन्होंने एक नई गद्दी बना दी कोल्हापुर। तो जब 1707 में शाहू को छोड़ा गया तो अब शाहू और कोल्हापुर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, और इन दोनों के बीच झगड़ा का फायदा किसने उठाया, पेशवा ने, और वहीं से शुरू हुई पेशवा डोमिनेंसी। अब पेशवा डोमिनेंसी के बाद मराठा कॉन्फेडरेसी, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, ये कहां से पैदा हुए, सरंजाम सिस्टम जो अभी आपने पढ़ा। पेशवा अपनी ताकत बढ़ा रहा था, लेकिन अपने साथ साथ उसने तो गौरव की भी बढ़ा दी। यह है कॉन्सेप्ट।
इन्हीं कॉन्सेप्ट से पढ़ना, समझना सर, समझना। पहली लाइन मैंने आपसे कही समझना, मजा लो सर, समझो बातों को। ये मालिक ने जो आपको इतना बड़ा तोहफा दिया ना, दिमाग। स्टीफन हॉकिन पूरी शरीर खराब थी, सिर्फ एक ही चीज ठीक थी, दिमाग। नोबल प्राइज विनर। यहाँ लोग ये उंगली कटी है भीख मांग रहे कि भैया हमारी उंगली कट गई, भैया तो गर्दन भी काट ले, इसी को लेके क्यों घूम रहा है? ऐसा हम बोलेंगे नहीं, सरकार कहती है। स्टीफन हॉकिन पूरे शरीर खराब है, पूरी शरीर। प्रीलिम्स जनवरी, हम जनवरी से अपनी वीकेंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं 5 महीने की, और हमारा पूरा उद्देश्य है, शुरुआत मैं ही करूंगा हिस्ट्री से। पहले महीने हिस्ट्री की क्लासेस मैं ही लूंगा, पहले 4 हफ्ते वीकेंड। हम अपना, हम मतलब इकरा, इकरा वाले ये ना समझे कि मैं अपनी बता रहा हूँ कि आपकी कब से हो गई, इन्होंने हमें बुलाया, इज्जत दिया। तो हमारा मतलब ये है कि हमने इनसे कहा कि पहला काम ये करो, किसी भी व्यवसाय का जो पहला चरण होता है वो है विश्वास। मैंने इनसे कहा पहला काम ये करो कि प्रीलिम्स हम अपनी जनवरी से क्लास शुरू करेंगे। मेंस पढ़ाएंगे और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कराएंगे, वहीं से हमारी कहानी शुरू ही होगी। और हमारा पूरा उद्देश्य होगा कि अगर आप 2019 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप क्वालिफाई करें। इंटरव्यू के बारे में आपको सैफिन साहब आराम से बताएंगे, और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सैफिन साहब को बहुत कुछ बोलना है आपसे। मैं चाहता हूँ आपसे बहुत कुछ बोलें। बुलाने के लिए तो खैर पूरी दुनिया पड़ी होती है, लेकिन इस आदमी की बड़ी विशेषताएं हैं। पहली, 22 साल इस उम्र में अगर ये आदमी को ये समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, ब्लेसिंग। दूसरी विशेषता, अकबर है ये। अभी मैंने बाहर नेपोलियन कह दिया था, फिर मैंने अमेंड किया अपने आप को कि नहीं नहीं अकबर है, हमेशा जीता। नेपोलियन तो बाद में हारा, नाम उसने भी बहुत कमाया। तो मैंने इनको अभी सुबह कहा कि तुम नेपोलियन हो, फिर मैंने कहा नहीं नहीं अकबर। आप इस आदमी के सोच देखिए, सोच। मैं तो इतना भी नहीं बोलना चाहता था, मैं चाहता था यही आपसे बोले। दूसरी बात, मेंस के समय इस आदमी का पैर टूट गया, जज्बा देखो यार। मेरा ऐसा नहीं कि मैं कोई आईएएस बन गया तो मैं उसका ना जाओ, पर इस आदमी से मेरा एक विशेष कुछ है। लोग ऐसा नहीं सिर्फ इन्हीं से, ऐसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे मेरा एक बड़ा विशेष लगाव है। उसके पीछे ये नहीं कि आईएएस बन गए मैं इनसे कल बोलूंगा मेरा काम कर दो, मैं कभी नहीं बोलूंगा, मालिक ना करे मुझे कभी इनसे कहना पड़े, लेकिन लगाव है इसलिए कि इस आदमी ने बहुत लोगों को आशा दी, आशा कि भैया हम भी कर सकते हैं। नहीं तो आदमी इतना बहाना बनाता है। मेरे दोस्त हैं, उनके भाई हैं, चपरासी हैं बैंक में, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी 10th के बाद। मैंने कहा चाचा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बोले हमारे पापा ने हमको साइकिल खरीद के नहीं दी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बहाने बनाना। तो मैं चाहता हूं ये आपसे खूब जमकर बात करें 1 घंटा, आप इनसे सवाल जवाब करें। मैं ये भी चाहता हूं आप माइक लीजिए, आप इनसे सवाल जवाब, पहले इनको बोलने दीजिए, फिर आपके मन में जो बातें हैं वो आप इनसे पूछिए, फिर मैं आपको मिलाऊंगा इनके माँ बाप से, क्योंकि हम एक बार उनको जरूर थैंक यू बोलेंगे। मैंने इनको स्पेशली कहा कि मम्मी पापा को तो, और सुबह ये मम्मी को लाए नहीं, मैं तो इतना गुस्सा हूं, मैं तो इनको कुछ बोला नहीं कि अब आईपीएस हो गया, पता नहीं बाद में कुछ दिमाग में रख ले कि मास्टर तुमसे बदला लेना है, तो मैं तो गुस्सा नहीं दिखा, लेकिन मैंने कहा मम्मी को तो लाओ यार, जिस आदमी ने, जिसकी वजह से तुम आज यहां खड़े हो, पहले हम उनको दिखाएंगे लोगों को। जब आदमी सफल होता है ना तो उसके साथ उसकी सफलता ही नहीं होती, उसके साथ कई सारे लोग होते हैं।
तो हम आपको इनकी मम्मी पापा से भी मिलाएंगे। सबसे बड़ी बात, धावले साहब मैं चाहता था वो बहुत बोले, लेकिन वही है समय वाली बात, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आदमी जितने जिसने महाराष्ट्र पुलिस में इतनी रोल में काम किया है, तो मैं चाहता था कुछ अपना अनुभव वो बांटे, लेकिन खैर वो वही टाइम कंस्ट्रेंट वाली बात थी कि मेन बातें फिर थोड़ा सा छूट जाएगी बेगर, पर मैं अगली बार जब इन्हें बुलाऊंगा तो मैं अच्छा टाइम दूंगा कि सर से आप बहुत कुछ और अपना ये अनुभव बताएंगे आपको कि सर्विस क्या है, कैसे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। लेकिन मैं बहुत थैंक यू करूंगा, क्योंकि आप जब इतने ऊंचाई पर होते हैं और जब आप किसी को टाइम देते हैं, मेन चीज़ की कि जो आदमी ऊंचाई पे वो जल्दी टाइम नहीं देता, हमको कहा हम तो भाई 5 मिनट रुकेंगे चले जाएंगे, लेकिन अगर एक बड़ा आदमी आपके साथ बैठा हुआ है तो उसका बैठना आपके लिए साहस है। जैसे वो हमारे बीच में बैठे हैं, 10 मिनट बोले कोई बात नहीं, लेकिन इनका बैठना हमारे लिए एक साहस है, कॉन्फिडेंस है कि हमारे साथ एक हमारा सीनियर बुजुर्ग बड़ा ऑफिसर बैठा हुआ है। तो मैं इकरा की तरफ से उनको बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा, और फिर मैं अपने सुपरस्टार को बुलाऊंगा सैफिन हसन को कि आए और जो है